तो दोस्तों आज हमारे पास नोकिया का मोबाइल आया है जिसका मॉडल आप लोगों को दिखा दें 1304। तो ये रखा हुआ मोबाइल, इसमें प्रॉब्लम फुल शॉट प्रॉब्लम है, अभी आप लोगों को हम चेक करके भी दिखा देंगे। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मल्टीमीटर को बजर रिंग पर सेट कर लेना है आप लोगों को, और फिर जो बैटरी का प्लस पॉइंट होता है उस पर चेक करना है, रीडिंग रीडिंग कितनी आ रही। और बैटरी के प्लस पॉइंट पर रीडिंग लगभग 300 से 400 के बीच में आनी चाहिए, और कभी कभार ऐसा होता है कि हाफ शॉटिंग में भी रीडिंग आती है तो 100 150, लेकिन सेट ऑन हो जाता है तो उसमें आप लोगों की हाफ शॉटिंग हो जाती है कोई भी मोबाइल हो। लेकिन जो मिनिमम रीडिंग होनी चाहिए वो 300 से और 400 के बीच में होनी चाहिए। और अभी आप लोग देख सकते हैं हम बैटरी के प्लस पॉइंट पर मल्टीमीटर चेक कर रहे हैं बैटरी कनेक्टर पर, तो ये ग्राउंड दिखा रहा है चारों तरफ ये दे। तो और बैटरी का जो बीच वाला पॉइंट होता है उस पर रीडिंग आ रही, आप लोग देख सकते हैं बैटरी का जो बीच वाला पॉइंट होता है उस पर रीडिंग आ रही है। अभी थोड़ा हम जूम करें और जूम करके भी आप लोगों को हम दिखा भी दें, ये देख लीजिए हम जैसे हटाते हैं ये ग्राउंड हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसकी जो सॉल्टिंग है उसको कहाँ से हटाएंगे। मल्टीमीटर को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और कैमरा को थोड़ा जूम करते हैं और आप लोगों को हम दिखा दें। देख लीजिए इसका जो ये थोड़ा जिसको आप लोग जिनर बोलते हैं या डबो छोटा बोलते हैं, तो हो सकता है ये शॉर्ट हो या ये छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है ये शॉर्ट हो। तो हम इन दोनों को पहले रिमूव करेंगे और आगे की पोजीशन फिर देखेंगे। तो रिमूव कैसे करना है आप लोगों को बता दें, एसएमडी मशीन की मदद से हीट करके आप लोग रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इसको तोड़ सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए इसको तोड़ देंगे, ये देख लीजिए एकदम जैसे तोड़ें एकदम ऐसा ही निकल आया है, और अभी भी इसमें शॉर्टिंग बनी हुई है। तो इसका जो ये एक छोटा सा कंपोनेंट लगा है उसको भी हटा दें, हो सकता है कंपोनेंट से हो। तो ये अभी भी है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है, एक आप लोगों को बैटरी ले लेनी है जो बैटरी थोड़ा चार्ज हो, और बैटरी लगभग 5.4 के ऊपर लगभग चार्ज हो, और वही बैटरी आप लोगों को ले लेनी है। और फिर आप लोगों को इसकी जो ये जाली है पहले तो जाली तोड़ देना है, इसमें इसके जो जितने ये वाली जाली है इसको तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद में फिर बताएंगे। तो हम पहले जाली तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो जाली हुई थी वो मैंने रिमूव कर दिया यानी तोड़ दी। अब आप लोगों को एक बात और बता दें, हमेशा ध्यान रखना जो भी नेटवर्क आईसी होती है, नेटवर्क आईसी के जस्ट पड़ोस में एक छोटा सा कंपोनेंट जरूर लगा रहता है जो बैटरी का प्लस पॉइंट होता है उससे अटैच रहता है, और वोल्टेज जब नेटवर्क आईसी में जाता है तभी नेटवर्क आईसी आगे वर्क कर पाती है। तो आप लोगों को बता दें, तो एक ये छोटा सा यहाँ पास कंपोनेंट लगा हुआ है तो इसको भी हम रिमूव कर लेंगे और देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। तो आप लोगों के सामने इसको हम रिमूव कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि हमारी जो
प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है कि अभी नहीं हुई है। कंपोनेंट यहाँ पास लगा हुआ था तो उसको हम रिमूव कर दिए हैं और ये अभी भी सॉल्टिंग बता रहा है। तो आप लोगों को बता दें, फिर वही बैटरी वाला इंतज़ाम करेंगे देसी जुगाड़। तो आप लोगों को करना क्या है, हमारे पास ये एक लिथियम वाला, इसको सेल बोलते हैं, तो सेल है और सेल का जो चार्जिंग है आप लोगों को दिखा दें, सेल की कितनी चार्जिंग है। सेल की चार्जिंग लगभग ठीक ही है, 5 के 4 के ऊपर होनी चाहिए। तो ये है 4.65, तो ये चार्जिंग आप लोगों को दिखा दी। अब जो सेल का प्लस पॉइंट है आप लोगों को दिखा दें, सेल का प्लस पॉइंट है वो हम लगा देंगे बैटरी के प्लस पॉइंट पर, बैटरी के प्लस पॉइंट पर। देखते रहना, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, जो बैटरी का माइनस पॉइंट है वो ग्राउंड में हम टच करेंगे और देखेंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ से है। और इसमें जो है पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगाने से ही जानकारी मिलेगी कि कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। तो हम पूरे में पेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि पेस्ट पिघलना शुरू हो जाएगी और समस्या जो है समाधान हो सकता है हो जाए, और अगर सीपीयू शॉर्ट होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी हम पेस्ट लगा रहे हैं, दिखा दें आप लोगों को हर जगह पेस्ट, ये दें इस तरीके से पेस्ट लगा लेना है और फिर बैटरी को ग्राउंड में टच करना है और देखेंगे कि पेस्ट कहाँ से क्या दिक्कत हो। तो देख लीजिए, ये यहाँ पास सॉल्टिंग है वो दे जो पेस्ट है तो वो पिघलने लगी है। तो इसमें ये एक डायोड लगा हुआ और हो सकता है इसका जो क्रिस्टल नेटवर्क फिल्टर, इसको क्रिस्टल बोलते हैं, हो सकता है वो भी बेकार हो। तो हम पहले इसका जो ये यहाँ का डायोड लगा हुआ है इसको रिमूव करेंगे, सॉरी डायोड बता रहे हैं, एक कंपोनेंट ये छोटा सा, तो ये थे हम इसको रिमूव कर लिए। अब हम चेक करेंगे, देखेंगे सॉल्टिंग हटी है कि नहीं हटी है, पर नहीं हटी हुई है तो ये अभी भी है। अब जो इसका नेटवर्क सेक्शन देखते हैं, और एक और डायोड मिला हुआ उसको भी रिमूव कर लेंगे, तो वो भी रिमूव हो चुका है। और फिर देखेंगे ये अभी भी सॉल्टिंग आ रही है, तो मुझे लग रहा है अभी इसमें कुछ बचा नहीं है, बस सीपीयू से ही दिक्कत है, इसका सीपीयू शॉर्ट है और कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें। क्योंकि जितने भी डायोड और जिनर लगे हुए थे हम सबको रिमूव कर दिए हैं, बस सीपीयू से ही दिक्कत है। और इसको क्लीन करेंगे फिर देखेंगे, तो पेस्ट को हम एकदम क्लीन कर चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, देख लीजिए ये जो है ये जाली के नीचे से प्रॉब्लम है, ये यहाँ देख लीजिए ये थोड़ा सा धुआं उठ रहा है। तो हम अब जाली को बिल्कुल जाली अलग करेंगे फिर देखेंगे
इसकी जो प्लेट है वो तो नहीं शॉर्ट है, बस इतनी ही। तो दोस्तों अभी आप लोगों को बता दें कि जो समस्या है वो कहाँ से है। आप लोग देख सकते हैं ये सीपीयू की जो सप्लाई है, यहाँ बैटरी के जो प्लस पॉइंट होता है। बढ़िया भाई। तो दोस्तों ये एक सीपीयू से होते हुए सप्लाई आई है, आप लोगों को दिखा दें। ये हल्का कालापन है, मुझे लग रहा इसी से ही दिक्कत है, यही कोई लाइनिंग जो है वो शॉर्ट है। और ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ पास आई है और तो यही शॉर्ट है। हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे ये जो कंपोनेंट लगा हुआ ये चल रहा है कि नहीं। तो कंपोनेंट हमारा चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो मेन जो इसमें ये लाइनिंग है बस यही कहीं से दिक्कत है। तो इसको क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे यानी खुर्चेंगे इसको और फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको क्लीन कर लें। आप लोगों को चाकू ले लेना है और चाकू लेने से और लाइन को इस तरीके से स्क्रैच करेंगे। तो दोस्तों इसको हम स्क्रैच कर चुके हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो सीपीयू से, और बाकी की सप्लाई भी सही है। थोड़ा और जूम करके हम दिखाते हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पर जो है ये एक लाइनिंग गई हुई थी ये वाली, लेकिन ये सीपीयू से ही शॉर्ट है, तभी के लिए दिक्कत है। और फिर से एक बार हम बैटरी का ग्राउंड टेस्ट करके दिखा दें, ये देख लीजिए एकदम जल गया है और अभी भी जल रहा है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पास सॉल्टिंग है, ये दे अभी भी जल रहा है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और। तो दोस्तों ये यहाँ पास जो जला हुआ था उसको थोड़ा सा और स्क्रैच कर देते हैं और फिर वो लाइनिंग जो है वो हट जा चुकी है। ये दे अब हम इसकी जो रीडिंग है उसको चेक करेंगे। ये बस यही शॉर्ट थी, आप लोगों को दिखा दें ये दे। और जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यही एक लाइनिंग थी हमारी जो शॉर्ट थी, और कैसे सॉल्टिंग आप लोगों को निकालना है, कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो या कीपैड हो, आईफोन हो, अगर फुल शॉर्ट है तो आप लोगों को सॉल्टिंग इसी तरीके से निकालनी है। और इसको हम जूम आउट करते हैं, अब मल्टीमीटर को लेते हैं साथ में। तो ये रहा मल्टीमीटर हमारा, और एक को ग्राउंड रखेंगे, दूसरे को बैटरी के प्लस पॉइंट पर लगाएंगे और फिर देखेंगे कि ये चल रहा नहीं चल रहा है। तो ये रहा ग्राउंड वाला और ये रहा बैट, देख लीजिए रीडिंग हमारी आ चुकी है 480 और 300 या 400 लगभग होना चाहिए, 480 आ चुकी है रीडिंग। आप लोगों को फिर से हम दिखा दें, ये दे 480 आ चुकी है बैटरी का बीच वाला पॉइंट, और ये तो ग्राउंड होता ही है। अब इसको हम थोड़ा ऑन करके देखेंगे। तो जो हमारा सेल लगा हुआ था सेल को हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि सेल का काम ख़त्म हो गया है। अब सेल का काम ख़त्म हो गया है तो बैटरी लगाएंगे इसमें, देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि केवल सॉल्टिंग ही हट गई है। और तो दोस्तों हमारा सेट ऑन हो जा चुका है, आप लोगों को दिखा भी दें। तो हमारा सेट ऑन हो चुका है, आप लोग लेफ्ट साइड में देख लीजिए
और सुई का इंडिकेटर चल रहा है। अभी इसमें जो डिस्प्ले है वो नहीं आई है। और ये रहा हमारे हाथ में मोबाइल, वो तो अभी इसमें डिस्प्ले की जो प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे। देख लीजिए, पूरा लगा हुआ ये रहा।